अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक वन के चैप्टर टू की रीडिंग करने जा रहे हैं। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक पोएम है और इसका नाम है टू लिटिल डिकी बर्ड्स और इसका मतलब है दो छोटे से परिंदे। डिकी बर्ड्स छोटे परिंदों को कहा जाता है, उनके लिए टर्म यूज़ होती है। हम तो स्टार्ट करते हैं। टू लिटिल डिकी बर्ड्स सैट अपॉन अ वॉल। दो छोटे से परिंदे बैठे हुए थे किस पे? अ वॉल, एक दीवार पे। वन नेम्ड पीटर द अदर नेम्ड पॉल। एक का नाम पीटर था और दूसरे का नाम पॉल। फ्लाई अवे पीटर, फ्लाई अवे पॉल। उड़ जाओ पीटर, उड़ जाओ पॉल। कम बैक पीटर, कम बैक पॉल। ठीक है जी, पॉइंट एंड भी हो गई। वापस आ जाओ पीटर और वापस आ जाओ पॉल। इसको एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। टू लिटिल डिकी बर्ड्स सैट अपॉन अ वॉल। वन नेम्ड पीटर द अदर नेम्ड पॉल। फ्लाई अवे पीटर, फ्लाई अवे पॉल। कम बैक पीटर, कम बैक पॉल। तो ये पोएम है और आप इसको ओरल भी याद कर सकते हैं, जैसे कि वो पोएम थी ना हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, ये उसी टाइप की है। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। सी एक्सरसाइज में देखिए, पेज नंबर 15 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर पीटर एंड पॉल। पीटर एंड पॉल कौन थे? सो वी नो दैट पीटर एंड पॉल आर, वो पीछे बताया गया है उसी पोएम में, कि टू लिटिल टिकी बर्ड्स थे। वेयर डू दे सिट, वो कहाँ बैठे थे? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दे सैट कहाँ? अपॉन अ वॉल। What two things are they asked to do? अब कौन सी दो बातें या कौन से दो काम उनसे कहा गया था कि आप करें? तो दो ही बातें उनसे कही गई थी कि fly away and come back, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, Who is talking to the birds? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि उन बर्ड से बात कौन कर रहा था। अब हम तो जानते नहीं हैं, तो इसका आंसर बड़ा सी इंटरेस्टिंग सा आप अपने पास से लिख सकते हैं। इसके राइटर का नाम तो यहाँ नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट इज टॉकिंग टू द बर्ड्स, या आप कोई और भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप लिख सकते हैं बॉय गर्ल उसकी जगह पे। मेक योर ओन पोएम बाय रिप्लेसिंग सम वर्ड्स। आप उन्होंने कहा है कि अपनी एक पोएम बनाएं और कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करके। टू लिटिल, अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है, टू लिटिल नॉटी कैट्स सैट इन द लॉन। वन नेम जैक द अदर नेम जॉन। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर उन्होंने क्या एग्जाम्पल दी है, एक कैट की एग्जाम्पल दी है, सम वर्ड्स रिप्लेस कर दिए हैं। अब यहाँ पे टू लिटिल नॉटी कैट्स हैं, वहाँ पे टू लिटिल टिकी बर्ड्स थे, सैट इन द लॉन और वहाँ पे क्या था, सैट अपॉन अ वॉल। वन नेम जैक और वहाँ पे नाम क्या था, वन नेम्ड पीटर। द अदर नेम जॉन और वहाँ पे नाम था पॉल। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने फोर ऑप्शंस भी हमें दिए हुए। यहाँ पे एक स्टफी है, बेयर है, कैट उन्होंने एग्जांपल में यूज़ कर दिया, एक पिजन है या बर्ड आप उसको ले सकते हैं, और एक रैबिट है। ठीक है, तो आप अपनी वर्ड्स में कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करके बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम बना सकते हैं और अपनी क्लास में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह विल कम बैक विद अनदर वीडियो, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके अपनी टीचर को सरप्राइज दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।